नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को एक्स सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो, रोजगार वीडियो, अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ओआरओपी के बारे में। साथियों, ओआरओपी का काफी दिनों से, जैसे कि आप सबको पता ही है, इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था 90 दिन के अंदर ओआरओपी का पूरा पेमेंट दे दिया जाए एक्स सर्विसमैनों को, लेकिन इसके बारे में पूरे 90 दिन भी हो चुके हैं और इस पर कोई भी फैसला अभी सरकार का नहीं आया, सरकार चुप है। तो साथियों, ये क्यों नहीं मिला हमें, हमारी एरियर टेबल क्यों नहीं जा रही हुई, इसके बारे में आज के मैं वीडियो में बात करूंगा। तो साथियों, जैसे कि हमारे वो आरोपी पे 90 दिन में फैसला आया था और 90 दिन में इसका जारी करने के लिए कहा गया था, और साथियों हमारे 16 जून 2022 को हमारे पूरे 90 दिन इसमें हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा इसमें कोई एरियर लिस्ट जारी नहीं हुई है, कोई टेबल इसमें जारी नहीं हुई है। तो इसके पीछे साथियों एक बहुत बड़ा कारण है। पहला कारण तो यह है साथियों, जैसे हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह ने ओआरओपी के लिए हमारे रिव्यू पिटिशन डाल दिया था एक, कि हमें पूर्ण रूप से ओआरओपी नहीं मिली है तो हमें पूर्ण रूप से ओआरओपी दे दी जाए, उसके लिए इन्होंने रिव्यू पिटिशन डाला था। तो साथियों, इसके पीछे यही कारण हो सकता है, क्योंकि रिव्यू पिटिशन के लिए इन्होंने रिव्यू पिटिशन डाल दिया वो आरोपी के लिए फुल रूप से देने के लिए, लेकिन मिली नहीं है, और तब से इन्होंने रिव्यू पिटिशन डाला है तब से हमारी सुप्रीम कोर्ट भी बंद है। 1 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट बंद है, 1 जुलाई 2022 के बाद में सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, उसमें जो हमारा रिव्यू पिटिशन है उसके बारे में पता लगेगा, वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है या वो खारिज हुई है, अभी उसके बारे में कुछ भी पता निकल कर नहीं आ रहा है। और हमारे बहुत से साथी इसमें वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं इस कारण नहीं हुआ, उस कारण नहीं हुआ, लेकिन साथियों इसका मेन मुद्दा यही है, इसी के पीछे की यही मेन वजह है जिसके कारण हमारा रिव्यू पिटिशन अभी तक का कुछ पता नहीं लगा, उसका एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारा ये ओआरओपी 2 की कोई टेबल इसमें जारी नहीं की गई है। और साथियों, काफी लोग कह रहे हैं इसमें कंटेप्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कोर्ट की अवमानना कर दी गई है। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट रूल के हिसाब से अगर सबके हित के लिए अगर कोई फैसला होता है उसमें कंटेप्ट ऑफ कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, अगर वो फैसला सबके हित के लिए है तो उसमें कंटेप्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, कोर्ट की अवमानना हो सकती है, ये ऐसा दिया गया है कंटेप्ट ऑफ कोर्ट के रूल में, 1970-71 का जो रूल बनाया गया है उसमें ये सभी बातें दी गई हैं। तो साथियों, इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारा एरियर क्यों नहीं मिला है, तो आप शांति बनाए रखें और 1 जुलाई 2022 का वेट करें, उसके बाद एक कार्रवाई शुरू होगी और उसमें आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको ओआरओपी 2 किस कारण से नहीं दिया जा रहा था, तो आप खुद ही इसको देख लेंगे। लेकिन साथियों, उसमें समय भी लग सकता है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 2 साल हो सकते हैं, 3-4 साल भी लग जाए, जैसे कि हमारा पहला रिव्यू, पहले हमने केस डाला हुआ था वो आरोपी के लिए 2014 में डाला था, और 14-15 से लेकर अब 2019 में इसका फैसला, 2022 भी धीरे धीरे आ गया, 2022 में इसका फैसला हुआ है, तो इसके लिए 2024 तक भी इंतजार करना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहें। वैसे मानसिक रूप से परेशान मत हो किसी भी तरह से, वो आरोपी तो आपको मिले ही मिलेगा, इसमें तो कोई किसी तरह का कोई शक नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो लेट होने का कारण है, यही कारण है, इसी कारण से आपका वो आरोपी लेट हुआ है। तो साथियों, ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।